एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिक टू प्रोफेशनल मेकअप में कि मेकअप से पहले आपको क्या लगाना चाहिए और किस किस तरीके से लगाना है। बिल्कुल डिटेल में होगा वीडियो। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। चलते वीडियो की तरफ। जैसा कि बेसिक और प्रोफेशनल कोर्स चल रहा है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मेकअप से पहले क्या करें। आज कमेंट भी आ रहे थे कि मैम बताइए मेकअप से पहले क्या लगाएं। तो आप कोई भी मेकअप कर रहे हैं, चाहे आप घर में नॉर्मल मेकअप कर रहे हैं या कुछ भी, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप CTM जरूर करिए, यानी क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। ये एक मेकअप नहीं है, यह ऐसा नहीं कि स्पेशली एक दिन के लिए स्किन केयर है, ये हमारा डेली रूटीन का स्किन केयर है। आप दो बार फेस वॉश करते हैं, आप तीन बार फेस वॉश करते हैं तो आपको क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर करना है। लेकिन जब मेकअप की बात आती है तो मेकअप में हमें क्या क्या यूज करना चाहिए और उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाना चाहिए। कई बार आपके सवाल ये रहते हैं कि मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लगाती हूँ तो मेरी स्किन पे दाने हो जाते हैं। उनके होने का भी कारण होता है, अगर आप मेकअप कर रहे हैं, आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा रहे हैं, कंसीलर लगा रहे हैं, आपने क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर नहीं किया है तो उससे भी आपकी स्किन पर दाने हो जाएंगे। और जब आपने देखा होगा, जब हम बहुत अच्छे तरीके से यानी प्रोफेशनल तरीके से जब मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। ग्लो आने का भी अपना एक कारण होता है, वहाँ पर हम अपना स्किन केयर करते हैं, जैसे कि क्लेंजिंग किया, टोनर किया, मॉइस्चराइजर किया, उसके बाद प्राइमर किया, सीरम लगाया हमने। स्किन केयर मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी है, डेली रूटीन में भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी कुछ क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर अच्छे करेगा। और मेकअप से पहले क्या क्या लगाना है तो ये आपको डिटेल में बताती हूँ और बेसिक टू प्रोफेशनल सिखा रही हूँ। तो प्रोडक्ट आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, आपको नॉर्मल बजट से लेके हाई बजट तक में मिल जाते हैं। बट ये डिपेंड करता है आपके अपने बजट पे कि आपका अपना बजट कितना है। आप ब्लू हेवन का है, जॉय का है, आर्यन वेदा के हैं या फिर VLCC के हैं, प्लम के हैं, बायोटिक के हैं, गुड वाइब्स के तो आजकल बहुत छाए हुए हैं क्योंकि मीडियम बजट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, एकदम नेचुरल हैं और मुझे बहुत पसंद है। तो आज मेरे पास कुछ प्रोडक्ट खत्म हो गए थे बट मैं अपनी स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वही प्रोडक्ट लीजिएगा। मीडियम बजट में भी है और अच्छे भी हैं, तो प्रोफेशनल मेकअप में भी यूज़ कर सकते हो और मीडियम में भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, जब हम बेसिक मेकअप करते हैं तो उसमें हम सीरम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि सीरम के लगाने के क्या बेनिफिट होते हैं जब आप अपने मेकअप में करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी स्टूडेंट की कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कर रही हूँ VLCC का क्लिनजिंग मिल्क और मैंने ले लिया एक टिश्यू। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, ये है चंदन का, जो हमारी स्किन को एक अच्छा सा ब्राइट लुक भी देगा। क्लिनजिंग मिल्क को इस तरीके से टिश्यू पर निकालेंगे और अच्छे से पूरे फेस को क्लीन कर देंगे। ये हमारी डीप क्लिनजिंग करेगा, जितनी धूल मिट्टी होती है हमारे फेस पर अच्छे से क्लीन कर देगा। ये है हमारा पहला स्टेप, क्लिनजिंग मिल्क। कंपनी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और पर्पल पे सेल चल रही है, आई हार्ट ब्यूटी सेल, जिस पर आपको मिलता है 500 ब्रांड पे 50% ऑफर। और आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे कूपन कोड से आपको मिलता है 10% और ज़्यादा ऑफ। तो इस टाइम प्रोडक्ट लेने का बहुत अच्छा आपके पास ऑफर है, आप काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर मेकअप सीख सकते हैं। तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेस को इसी तरीके से अच्छे से क्लीन करेंगे। सेकंड आ जाता है हमारा टोनर। टोनर भी आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको है, ये है गुड वाइब्स का ल्यूकराइज ब्राइटनिंग टोनर। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि इसमें है कॉफ़ी जो ऑयल को कंट्रोल करती है, इसमें है ग्रीन टी जो प्यूरीफाई करती है आपकी स्किन को, और इसमें ऑर्गन ऑयल का इस्तेमाल किया गया है जो मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। और टोनर को स्प्रे करते हैं तो आपने देखा होगा जिनके ओपन पोर्स होते हैं, अगर वो मेकअप कर रहे हैं और वो टोनर का इस्तेमाल नहीं करते तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। टोनर जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारे इस एरिया पर ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, आपने देखा होगा ऑयली स्किन वालों के बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं। अगर वो टोनर करते हैं तो टोनर हमारे ओपन पोर्स को बहुत छोटा कर देता है, हमारी स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है और स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो लाता है। आप देख लो, मैंने अभी तक इनकी स्किन पर टोनर नहीं किया है, जो मैं टोनर करूँगी तो आप ग्लो देखेंगे कितना अच्छा आएगा। और साथ ही साथ ही हमारे pH लेवल को भी बैलेंस करता है। तो आप जब भी मेकअप कर रहे हैं या अपना डेली रूटीन में स्किन केयर कर रहे हैं तो आप क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर जरूर करिएगा। मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर पे, सेल्फ में भी हैं, स्टूडेंट पे भी हैं और क्लाइंट पे भी हैं, तो आप जरूर देखिएगा, उनमें आपको बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाएगा। तो ये है ल्यूकराइज
ब्राइटनिंग टोनर और इसमें लेना चाहते हैं तो आपको रोज़ ग्लो टोनर भी मिल जाएगा। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी ऑयली स्किन के लिए मैं हमेशा अपनी ब्राइट के यूज़ करती हूँ, ये है ग्रीन टी का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पे बात आ जाती है, अगर आप किसी भी स्किन पे यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एक्ने की तो वो ग्रीन टी का भी ले सकता है स्पेशली, ये है ग्लो टोनर। लेकिन किसी की नॉर्मल स्किन है, वो चाहता है कि मुझे ग्लो टोनर चाहिए, तो वो ले सकता है रोज़ ग्लो टोनर। इसमें आपको अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और टोनर का भी पता चल गया होगा कि आपको अपनी स्किन पे क्यों लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप टोनर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें स्प्रे वाले दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बट ये स्प्रे के साथ दिया गया है, तो आप जो है तो इस तरीके से स्प्रे करेंगे हम पूरे फेस पर। इस तरीके से आप 3 से 4 बार करेंगे बस, ऐसा नहीं कि आप 5 से 6 बार करें और बहुत ज़्यादा टोनर फेस पर डाल दें, ऐसा नहीं करना है। लेकिन कहीं पर आपको अगर बॉटल में ये सब नहीं दिया गया है तो आप एक टिश्यू लेंगे इस तरीके का, पे इस तरीके से डाल लेंगे टोनर को, और इस तरीके से जहाँ पर ओपन पोर्स ज़्यादा है वहीं से स्टार्टिंग करेंगे और इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे और थोड़ी देर के लिए स्किन को छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ तो आपको रिजल्ट भी यहीं पर दिखाऊंगी। और ग्रीन टी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये गुड वाइब्स का ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए। एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, इसीलिए इससे आपके एक्ने सूख जाते हैं, ये ऑयल को कंट्रोल करती है और आपके एक्ने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, साथ में स्किन में एक अच्छा सा ब्राइट लाती है और जो हमारे थोड़े बहुत निशान हो जाते हैं उसको भी कवर करती है और ब्लैमिश को भी हटाने में मदद करती है। ऑयली स्किन है तो उसके लिए बेस्ट है आपके लिए ये। और आप देख सकते हैं जैसे टोनर थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो आप देख सकते हैं स्किन में ग्लो कितना अच्छा आ गया है। जैसे नेक्स्ट आ जाता है हमारा मॉइस्चराइज़र। अगर मैं बेसिक बताऊं तो आपको, आप इसी के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने प्रोफेशनल मेकअप में देखा होगा कि हम सीरम लगाते हैं। सीरम क्या होता है, मॉइस्चराइज़र सीरम में क्या होता है, मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन की ऊपर लेयर पे रहता है तो ये 3-4 घंटे स्टे करता है। और अब हम बेसिक मेकअप में मॉइस्चराइज़र भी लगा लेते हैं और कई लोग तो मेकअप करते हैं तो क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र करते ही नहीं है, लेकिन मैं ये बताती हूँ आप अगर बेसिक मेकअप भी कर रहे हो तो क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र जरूर करिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हो और आपके क्लाइंट की स्किन कहीं ना कहीं से फटी हुई है और आप उन पे बेस बना रहे हो तो यहाँ पर ये हिस्सा देखा होगा, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा फटा हुआ होता है, कई बार फेशियल के बाद स्किन ड्राई हो जाते हैं किसी किसी क्लाइंट की, तो ये हिस्से भी बहुत फट जाते हैं। और जब आप बेस बनाते हो, बेस बनाने के बाद अगर आपने सीरम या ऑयल नहीं लगाया है तो यहाँ से आपका बेस फटाफटा हो जाता है और इन एरिया से आपका मेकअप भी फट जाता है। आप जब प्रोफेशनल मेकअप कर रहे हैं तो आप सीरम का इस्तेमाल जरूर करिए। तो मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से बता रही हूँ, सीरम आपके पास जो भी है आप ले सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग मिल जाते हैं। आपने देखा होगा ये है पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड ऑयल, यहाँ पर ऑयल है और ये मेरे हाथ में सीरम है, आपको इसमें सीरम भी मिल जाता है। आप ऑयल ले रहे हैं तो ऑयल अपने फेशियल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ब्लीच में भी इंक्लूड कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपकी स्किन पे इचिंग वगैरह होती है कई बार, और मैं ये मेकअप में भी यूज़ कर लेती हूँ। यहीं पर आप चाहते हैं कि आप विटामिन सी या विटामिन ई का ले लें, आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है ब्लैमिश या कुछ भी, ये मेकअप करने से पहले आपको देखना है कि आप कौन सा सीरम यूज़ कर रहे हो। ग्लो सीरम भी आते हैं, वो भी इंक्लूड कर सकते हो। सीरम मॉइस्चराइज़र से ज़्यादा टाइम स्टे करते हैं हमारी स्किन पे, क्योंकि ये हमारी डीप लेयर पे जाके काम करते हैं। तो क्यों मिलते हैं आप सोचते होंगे, ब्राइटनिंग सीरम है थोड़ी देर तो रहेगा, बट नहीं, ये हमारी डीप लेयर पे जाते हैं तो ये अच्छे रिजल्ट भी देंगे आपको, आपके मेकअप को भी फटने नहीं देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा आप जितने भी मेकअप करते हैं हम सभी में सीरम इंक्लूड करते हैं, चाहे वो ऑयली स्किन के लिए हो, चाहे वो ड्राई स्किन के लिए हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। बात आ जाती वहीं पर कि ऑयली स्किन तो पहले से ही तेल वाली होती है तो हम सीरम का क्यों इस्तेमाल करें, बट ऐसा नहीं है। यहीं पर आपको मिल जाता है, हर कंपनी ऐसे सीरम भी बनाती है जो स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये है पर्पल का जो कि है ऑयल कंट्रोल सीरम, अगर ये लगाते हैं तो ऑयली स्किन पे ये उनके ऑयल को कंट्रोल भी करेगा और लॉन्ग टाइम तक स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की देर होती है, वरना सभी कुछ ऐसा है कि आप हर स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। ये है 24 कैरेट गोल्ड ऑयल जो मैं इस्तेमाल करती हूँ बहुत ज़्यादा वीडियो में, और ये है पर्पल का ऑयल कंट्रोल सीरम। तो ये आपके ऊपर है, अगर ऑयली स्किन पे कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो, बट सीरम जरूर लगा सकते हो अगर आपकी ब्राइट की स्किन फटी फटी है, तो इससे आपका मेकअप भी नहीं फटेगा और काफ़ी टाइम स्टे भी करेगा और काफ़ी अच्छी ग्लो भी करेगा पर्पल की।
तो मॉइस्चराइजर से पहले अप्लाई करूंगी। सबका अपना तरीका होता है, आप किसी की वीडियो देख के मत सोचिएगा कि मैम उन्होंने मॉइस्चराइजर पहले लगाया था और सीरम बाद में, मेरा अपना तरीका है। ये मैं पहले क्यों लगाती हूँ, क्योंकि ये हमारी डीप लेयर पे जाएगा। अगर मैं पहले मॉइस्चराइजर लगा दूंगी तो मॉइस्चराइजर की एक लेयर बन जाएगी, तो ये उसके ऊपर ही रह जाएगा। तो इसीलिए मेरा तरीका है कि मैं सीरम को पहले करूंगी। और आप सीरम को इस तरीके से लगाएगा, एक बूंद यहाँ पर लगाएगा, एक बूंद यहाँ पर लगाएगा, इस तरीके से, ताकि यहाँ हमारे ओपन पोज होते हैं और यहाँ हमारे ड्राइनेस होते हैं इन एरिया पे, अच्छे से फैल जाए। इस तरीके से आप लगा लेंगे तो इस तरीके से पूरे फेस पर फैलाएंगे। इससे क्या है, आपकी स्किन ड्राई भी नहीं रहेगी ब्राइड की, और आपका मेकअप भी बहुत अच्छा रहेगा, और बाद में एक बहुत अच्छा सा ग्लो भी आएगा, और आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि आपकी ब्राइड का या आपके क्लाइंट का मेकअप कहीं ना कहीं फट जाएगा। तो स्किन केयर देख रहे हो कितनी अच्छी तरह से होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़्यादा लें, आप मीडियम क्वांटिटी में ही लीजिएगा। और देख रहे हो मैं फेस पे कर रही हूँ, नेक पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट आप थोड़ा सा नेक पे भी जरूर लगाइएगा और आप ग्लो देखते जाएंगे इनकी स्किन में। ये हो गया है सीरम। मैं इन सभी प्रोडक्ट के आपको लिंक दे दूंगी, यूज़ करना चाहते हैं तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और सभी पे बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं तो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड है GET100। आप इसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइजर, तो मॉइस्चराइजर मेरे पास अब नॉर्मल स्किन के लिए है नहीं, इसलिए मैं प्लम का यूज़ कर रही हूँ, बट आप नॉर्मल स्किन में लेना चाहते हैं तो गुड वाइब्स के ले सकते हैं, VLCC के ले सकते हैं, और फेसेस का तो मैं लगाती हूँ। कंपनी आप अपने अकॉर्डिंग अपने बजट के हिसाब से चुनिएगा, सभी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे आसानी से। और कभी भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो अपनी फिंगर टिप पे रखिएगा, हथेली पे कुछ भी यूज़ ना करें, हमारी हथेली में जर्म होते हैं तो इसके कारण कहीं ना कहीं हमारी स्किन पे दाने भी निकल जाते हैं, तो कुछ भी यूज़ करेंगे अपनी फिंगर टिप पे रख के यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, प्लम का है ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र, और जिनकी भी ऑयली स्किन है तो अपने लिए प्लम या बायोटिक के ही प्रोडक्ट लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको गुड वाइब्स में नहीं मिलेंगे, गुड वाइब्स में भी आपको ग्रीन टी और टी ट्री के मिल जाएंगे। इस तरीके से आप पूरे फेस पर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएंगे। इससे क्या है, आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा, मेकअप बिल्कुल भी फटेगा नहीं, आपकी क्लाइंट की आपकी ब्राइड की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। ये हो गया हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिप बाम। पहले मैं लिप बाम लगाऊंगी। लिप बाम आप स्टे क्यूकी का भी ले सकते हैं, निविया का भी, जो आपको अच्छा लगे। इस तरीके से लगाएंगे, क्या होता है मेकअप करने से पहले अगर आप लिप बाम लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट की या आपकी ब्राइड के लिप्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, यानी डार्क हैं, तो उनसे क्या होता है, हमने पहले लिप बाम लगा लिया, उसके बाद जब हम बेस बनाते हैं तो आपके लिप्स कवर हो जाते हैं, वहाँ पर आपका थोड़ा डार्क लिप्स है तो वहाँ पर जो आपका लिप शेड है वो बहुत अच्छे कलर का लगेगा, क्योंकि आपने डार्क एरिया को कवर कर दिया है। अगर आप लिप बाम नहीं लगाएंगे या लिप्स पे कोई कंसीलर नहीं लगाएंगे और आप डायरेक्ट लिप शेड लगाएंगे तो वो जो डार्क एरिया आपके लिप्स का वो आपका ऐसे का ऐसे झलकेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो आप ये जैसे इस साइड डार्क है, इस साइड डार्क है, मैंने लिप बाम अभी लगा दिया, ये ऐसे रहेगा, फिर मैं आई मेकअप कर लूँगी, उसके बाद जब मैं कंसीलर करूँगी फेस पे, बेस बनाऊँगी, तो मैं अपने लिप्स एरिया को भी कवर कर दूँगी, लिप्स स्मूथ हो जाएंगे क्योंकि मैंने लिप बाम लगा लिया है। और बेस इतना ज़्यादा मत लगाइएगा, सिर्फ ये करिएगा कि आपका डार्क एरिया कवर हो जाए कंसीलर से, उतना ही लगाना है। तो बेस लगा देंगे, उसके बाद आपको लिप लाइनर लगाने में आसानी होती है, लिपस्टिक लगाने में आसानी होती है, आपको लिप्स बड़े या छोटे करने हैं तब आसानी होती है, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्किन केयर में पहले ही लिप बाम लगा दीजिएगा, और तब तक अगर लिप्स फटे हुए हैं या बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखे हैं या कुछ भी हो रखे हैं, कई कई के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं विंटर के टाइम और बीच में से फट जाते हैं, तो आप पहले लिप बाम लगा देंगे तो जब तक हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो लिप्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए स्किन केयर करेंगे और उसके बाद मेकअप करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा प्राइमर। अगर आप प्राइमर के बिना मेकअप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है कि आपका बेस अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी स्किन के लिए। ओपन पोज की प्रॉब्लम होती है तो भी कवर कर देते हैं प्राइमर हमारे, तो इसीलिए आप मीडियम बजट की तरफ जाना चाहते हैं या कोई अपने आप से लेना चाहते हैं, मैं अपनी वीडियो में हर एक में दिखाती हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे स्टे क्यूकी के, कलर बार के, स्विस ब्यूटी के, और नॉर्मल बजट में सबसे बेस्ट है हमारा NYB का, या फिर आप लेना चाहते हैं थोड़ा सा हाई तो ये है पर्पल का। मैं आपको बता देती हूँ पर्पल का भी काफ़ी अच्छा है, इसकी प्राइस 499 है, आप ये लेना चाहते हो तो ये भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत कम बजट में काफ़ी अच्छा है, इसकी प्राइस अभी
आप देख लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, बट बताती हूँ कि प्राइमर में है NY बे का, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है आपके, बहुत ही अच्छा बेस बनाता है आपका, हाइड्रेटिंग करता है आपकी स्किन को, 5-in-1 है आप देख सकते हो। के लिए जितनी और चीज़ें थी उतना ही प्राइमर है, तो कभी भी आप मेकअप करते हैं प्राइमर को बिल्कुल मत भूलेगा। तो सबसे कम बजट में है हमारा और सबसे अच्छा NY बे का, उससे ऊपर आपकी मर्जी, आप कितनी ही ऊपर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइमर किस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से अपनी फिंगर टिप पे निकालेंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है। आप सोचिए प्राइमर जितना ज़्यादा लगाऊंगी तो मेकअप उतना अच्छा होगा, ये गलत फहमी आपकी, कभी भी मत सोचेगा। आप देख सकते हो मैंने कितनी कम क्वांटिटी में लिया है, और इसको इस तरीके से लगाएंगे जहाँ हमारे ओपन पोज होते हैं, पहले इस तरीके से डैप डैप करके ही स्किन पे लगाइएगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट हो जाता है स्किन में और स्किन बहुत स्मूथ और सिल्की सी लगती है हमें। और फिर इस साइड वाले पार्ट पे आ जाएंगे, आपका मेकअप का जो बेस है इसी के कारण बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि प्राइमर ही हमारे मेकअप का मेन बेस होता है। और ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको लगाना है, और ये आपको अलग अलग मिल जाते हैं, कई जेल फॉर्म में होते हैं, कई क्रीम फॉर्म में होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। देख सकते हो इतना सा था और कितने अच्छे से इनकी स्किन पे लगा है। हो गया है हमारा कंप्लीट स्किन केयर जो कि हम मेकअप से पहले करते हैं। अब आप कंसीलर यूज़ करें या कलर करेक्शन, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा मेकअप। तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से स्किन केयर करनी है। बेसिक में आप चाहें तो सीरम हटा सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा है कि आप सब कुछ करिएगा, लेकिन वहीं पे बात आ जाती है हमारे चार्ज की कि क्लाइंट हमें चार्ज दे ना दे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए स्किन केयर मेकअप से पहले। तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको स्किन केयर करनी है मेकअप से पहले। और CTM तो हमारा डेली दिन में 2 बार होना ही चाहिए। क्लिंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर जरूर करिएगा, इससे आपकी स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी ब्लेमिश या पिगमेंटेशन की। तो आप मेरे चैनल से अगर ऑनलाइन कोर्स सीख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी बहुत सारी पहले की वीडियो भी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और फाइल बनाना तो आप आज सीख ही गए होंगे, तो जो मेन पॉइंट होते हैं उन्हें ज़रूर नोटबुक में नोट करिएगा, ताकि अच्छा रहे आपके लिए भी, कभी भूलें ना आप, और वीडियो देख देख कर सीख सकते हैं बहुत कुछ नया नया। मैं ट्यूसडे को और फ्राइडे को लाइव आती हूँ, नेचुरल्स ब्यूटी वर्ल्ड चैनल पर, फ्राइडे को लाइव आती हूँ ऑल अबाउट पर, तो आप वहाँ पर मिल सकते हैं मुझसे और कर सकते हैं कोई भी पार्लर से या मेकअप से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छा लेके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।